a 199 rupees skincare haul. Three reasons why I want to do this. One, festive season kind of khatam hone ke watch pe hai, lekin then there's shaadi season. And lastly, if I'm in full sleeve, you know ki thodi thodi thand shuru ho gayi hai. So thand is the weather where I'm most motivated to do skincare. Kyunki bro, agar sardi mein skincare chhoota na, to result aadhe ghante mein dikh jata hai, where skin starts flaking. Garmi mein the weather is still forgiving. Mostly aapko ek aadha pimple nikal aayega, wo bhi ek hafte ke carelessness ke baad. Lekin sardi is not at all forgiving. So let's begin. Bade dabbe aaye hai. That is one thing that I get a little iffy about, ke bro itne chhutke se products ke liye kyun itne bade dabbe, but theek hai. Okay, to main randomly just pick karti hu, theek hai. First thing hai Himalaya ka foot care cream, and ye mere liye kam meri mummy ke liye zyada hai, to iska consistency na kafi thick hai. Main thoda sa haath pe laga ke batati hu. So even though it's thick, it's quite अच्छे से absorbing into the skin. अभी मैंने निकाला है तो मैं मेरे पैर पे लगा ही लेती हूँ. But touchwood, अभी तक मेरे पैरों की skin काफी अच्छे से maintained है, क्योंकि मैं regularly उसको वो करती हूँ, scrub करती हूँ. वो pumice stone आता ना, उससे मैं घिसती हूँ मेरे पैर. महीने में एक बार तो कर ही लेती हूँ, इसलिए touchwood मेरा feet अच्छे से maintained है. I'll show you. ऐसे है. I never thought I'll be doing this. I'm not trying to disrespect you by showing you my photo. मैं सिर्फ पैर का skin दिखाने की try कर रही थी. So this is the first product. Second है ये Nykaa का सीरियल किसर लिप बाम. ब्रो ये बहुत अच्छा है, इट इज स्टेइंग. मेरे को ना थिक लिप बाम्स ही पसंद है, मेरे को पतले लिप बाम्स कम असर करते हैं. बट आई प्रेफर देम इन समर, क्योंकि समर में मेरे को पसीना काफी आता है, तो आई डोंट प्रेफर थिक लिप बाम्स इन समर. बट फॉर विंटर ये एक काफी अच्छा बजट फ्रेंडली ऑप्शन है. इसमें इतनी क्वांटिटी आती है, व्हिच आई थिंक इज गुड. मैंने अभी भी लगा के ही रखा है, तो आई एम नॉट अप्लाइंग अ सेकंड लेयर, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा. ओके, थर्ड प्रोडक्ट है ये गार्नियर का माइसेलर, जो आई थिंक मेरे लास्ट 199 स्किन केयर हॉल में भी था. विंटर में काफी टाइम्स मुझे मुंह धोना कंटाला आता है, स्पेशली जब मैं राजस्थान गई थी, आई थिंक ऑलमोस्ट 3 years ago नाउ या 2 years ago. तो तब भी ठंड में आई कांट पुट वाटर ऑन माई फेस, तो यू कैन इजिली रिप्लेस इट विद जस्ट वाइपिंग योर फेस विद दिस माइसेलर वाटर. काफी सही पड़ता है, एंड मेन इट इज वेरी बजट फ्रेंडली. 175 इज का MRP फॉर दिस होल बॉटल. सो आई थिंक दिस इज माई थर्ड बॉटल मोस्टली. आई डोंट रिमेम्बर बिकॉज मैं एम्प्टीज जमा नहीं करती, मैं ना बॉटल फेंक देती हूँ. बट इट्स अ ग्रेट ग्रेट प्रोडक्ट टू जस्ट क्लेंज योर स्किन एंड मेकअप रिमूविंग के लिए भी. मेकअप के लिए आई एक्चुअली प्रिफर द ऑयल वन, इवन दो ये 199 नहीं है, 225 है, जस्ट अ लिटिल मोर देन 200. लेकिन इट इज वेरी गुड इन टेकिंग ऑफ मेकअप, व्हिच इज व्हाई इसमें सिर्फ मेरी इतनी ही बची है. नेक्स्ट है ये बॉडी लोशन, इसका नाम क्या है, हाँ बॉडी ककून इज द नेम ऑफ दिस बॉडी लोशन. बहुत अच्छा है, एंड आई कांट बिलीव इट्स अंडर 199. डूड इसका प्राइस इज 135, एंड दिस गिव्स मी पूरा रिच वाइब्स. आई एम जन्म से आलसी टू लाइक मॉइस्चराइज माई बॉडी, तो आई नीड सम काइंड ऑफ मोटिवेशन टू डू इट. एंड इसका टेक्सचर इज ऑल्सो क्वाइट नाइस. एक्चुअली वो इंस्टाग्राम ब्यूटी ब्लॉगर्स के जैसे इतना सारा निकालना है, बट देन मैं उसको यूज कहाँ करूंगी, तो आई एम जस्ट शोइंग यू इतना. तो इट्स नॉट वेरी थिक एक्चुअली, एज यू कैन सी इट इज अ लिटिल रनी इन टेक्सचर, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी क्विकली अब्सॉर्बिंग. सी did not even take 3 seconds, there was no cut in this video. So kafi sahi padta hai. I tend to use this on my hands also directly, because it's not suffocating wala thick. So I sometimes find it a little bit better than hand creams, kyunki aade nahi aata hai pata hai jab bhi aur kuch kaam karna rehta hai. So it's a very very like, I love this body lotion, kafi use karne ko mereko jamta hai ye wala. This is apricot flavor, so it smells also ekdam mast. I need to stop saying ekdam, I say that a lot. Next hai ye under eye cream by Wadi Herbals. इसके बारे में तो इतना सुना है मैंने, इतना सुना है इस क्रीम के बारे में, बट आई एम अ लिटिल बिट दिस के इसका एक क्लेम है लाइटन्स डार्क स्किन अंडर द आईज. तो टच वुड, मेरा डार्क सर्कल्स में अपने आप ही काफी इंप्रूवमेंट आया है, जस्ट विद रेगुलर स्किन केयर, गुड स्लीप एंड गुड वाटर इनटेक एंड डाइट. तो आई वुड नॉट रेकमेंड दिस प्रोडक्ट फॉर पीपल जिनको डार्क सर्कल्स नहीं है. अगर आपको सिर्फ एक गुड आई क्रीम चाहिए, तो आई ट्राई टू गिव यू अनदर अफोर्डेबल ऑप्शन, बट दिस इज नॉट द वन फॉर यू. सिर्फ अगर आपको पिगमेंटेशन है ना आई एरिया में, तो ही आई थिंक यू शुड यूज इट, बिकॉज द क्रीम इज गुड. बट व्हाट इफ आपका इवन स्किन टोन है और ये और लाइट कर दिया, तो आई डोंट थिंक इट्स गोना बी गुड ऑप्शन. बट इफ यू हैव पिगमेंटेशन थोड़ा सा, देन यू कैन यूज इट, इट्स अ गुड प्रोडक्ट. अगला है दीज शीट मास्क बाय गार्नियर. डूड दे आर ग्रेट. आई थिंक यू हैव इजिली सीन मी यूज ऑल ऑफ देम बाय नाउ, एंड माई फेवरेट इज चारकोल वन. आई थिंक चारकोल वाला ना थोड़ा और महंगा रख सकते थे, बिकॉज इसका रिजल्ट यार बहुत सही आता है. बट फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर सारे
99 की है ना? हाँ, 99. So easily under 199 rupees. What else do I tell you about sheet mask जो मैंने already आपको नहीं बताया है? It gives visible results and for me, I think this is also a very important reason why my feet are good. क्योंकि sheet mask में जो extra परत आती है ना, मैं उससे हमेशा मेरे feet को ये करती हूँ and they stay moisturized for a week to 2 weeks. तो वो मेरे को अच्छा पड़ता है. But as for my face also, ये सिर्फ moisturize नहीं करता है. Actually the charcoal one does give me a more clean face. The green tea one and the hydrobomb one are also really good. लेकिन मैं थोड़ा biased हूँ charcoal के तरफ. तो अगर आपने कभी कोई mask try नहीं किया, start the charcoal one and then you can explore with the other flavors. और आप मेरे को बताना आपका favorite वाला कौन सा है. Okay, so the next product is also a lip product. ये एक lip scrub है. ये है इसका cover packaging. तो इसका texture ना ऐसा है. It smells literally of chocolate. लेकिन ऐसे करते हैं तो ऐसे crumbs हाथ पे आते हैं. I dropped the whole thing. थोड़ा वेस्ट हो गया. पर इसको ऐसे लिप्स पे रब करना है आफ्टर मेकिंग देम अ लिटिल वेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड आई हैव यूज्ड दिस ट्वाइस. मेरे को एक्सेप्शनल रिजल्ट्स नहीं लगे बट इट इज वन ऑफ माय मोस्ट लव्ड लिप स्क्रब्स. इसके पहले मैंने आई थिंक 2-3 और लिप स्क्रब्स ट्राई किए हैं एंड उसमें से मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया. बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट मोर फ्रॉम अ लिप स्क्रब. तो आप मेरे को बताना कि व्हाट इज योर फेवरेट लिप स्क्रब अगर आपने ट्राई किया है. अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो अगर किसी यूट्यूबर से आपको रिकमेंडेशन मिली है तो शेयर दैट विद मी ऑल्सो सो दैट आई कैन ऑर्डर इट एंड ट्राई इट. क्योंकि इन विंटर माय लिप्स टेक अ बिग हिट. काफी फटने लगते हैं, खून निकलने लगता है. तो आई वांट टू ट्राई एंड प्री प्रेप फॉर इट अभी से. बट आई वुड गिव दिस 3.5/5. एवरेज से थोड़ा बेटर लगा मेरे को ये. फिर आता है ये एम्वे का बॉडी वॉश जेल. बॉडी वॉश जेल इट इज ऐसा. I am making a mess on my bed. अब मैं इसका करूँ क्या मेरे को पता नहीं. हाथ धो के आना पड़ेगा. बट बेसिकली 199 के अंदर बॉडी वॉश जेल्स थोड़े डिफिकल्ट होते फाइंड करने के लिए. आई डू वॉन्ट टू मेक अ फुल ऑन बॉडी वॉश वीडियो इन इट सेल्फ. क्योंकि आई हैव ओनली यूज्ड वन एक्सपेंसिव वाला फ्रॉम बाथ एंड बॉडी लॉन्ग टाइम अगो जो मैंने पूरा किया भी नहीं. आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द बॉडी वॉश सेक्शन मोर स्पेशली क्योंकि माई डैड लव्स बॉडी वॉशेज. तो इट बी गुड उनको भी यूज करने मिल जाएगा. इसका प्राइस इज 140 rupees फॉर 60 ml. एंड काफी लग्जोरियस वाइब है इसका एंड काफी फैंसी वाइब है इसका. इट डज मेक यू फील लाइक यू आर इन अ 5-star रेस्टोरेंट एंड डज द जॉब प्रीटी वेल. तो देयर इज नथिंग सुपर स्पेशल अबाउट इट बट दैट इज व्हाट आई यूजुअली से अबाउट माय न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजर टू. कि देयर आर सम थिंग्स जो एकदम बेसिक काम करते हैं बट वो अपना काम अच्छे से करते हैं. तो दिस प्रोडक्ट इज वन इन दैट कैटेगरी. ओके, फिर आता है न्यूट्रीजीना का डीप क्लीन फेस वॉश. दिस मिनी बॉटल इज गुड बिकॉज एज आई सेड विंटर में जल्दी से आई डोंट लाइक टू नो वॉश माय फेस अ लॉट विद वाटर. क्योंकि फिर हर बार आई हैव टू मॉइस्चराइज इट वरना पड़ने लगता है. सो दिस इज अ गुड साइज. अभी सीन क्या क्या आई हैव यूज्ड दिस अ लॉट ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम्स. ये हिमालय का और नीम वाला न्यूट्रीजीना वाला एंड आई फील लाइक करंटली जो मैं यूज कर रही हूँ वो काफी बेटर है इससे फॉर द प्राइस. लाइक 110 rupees के लिए इट लास्ट यू वेल. अच्छा काम करता है. लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर अपग्रेड चाहिए ना आई थिंक यू कैन ट्राई फोमिंग फेस वॉशेस. जो इससे आई वुड से 3-4 गुना ज्यादा महंगे आते हैं बट क्वांटिटी भी खासी मतलब खास ऐसी आती है एंड आई डू प्रिफर देम अ लॉट ओवर दीज वंस. सो फॉर स्टार्टिंग अगर आप सिर्फ स्किन केयर स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो. बट आई वुड रेकमेंड ओवर टाइम धीरे धीरे ट्राई थोड़े बेटर फेस वॉशेस बिकॉज़ आई हैव सीन अ गुड रिजल्ट विद देम. नेक्स्ट आई हैव ये वादी हर्बल्स का केसर चंदन बार. ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है बट दैट्स बिकॉज़ यार मैंने अभी देखा लाइक जस्ट व्हेन आई वाज अबाउट टू ट्राई इट आई सॉ द क्लेम. इसमें स्किन लाइटनिंग का एक क्लेम है. इट्स रिटन राइट हियर एंड आई डोंट लाइक दैट क्लेम. एक तो ये फेशियल बार है तो फेस को लाइक अंडर आई क्रीम आई कैन अंडरस्टैंड कि पिगमेंटेशन यूजुअली होती है 10 में से मेरे हिसाब से 7 लोगों को होती है. बट फेस लाइट करने की क्या जरूरत है. तो आई जस्ट केप्ट इट इन द पैकेजिंग. सिर्फ ये एक नहीं प्रमोशन होता ना इसका एंड इफ दे वुडंट प्रमोट लाइटनिंग द स्किन कॉम्प्लेक्शन तो 38 rupees फॉर अ केसर चंदन बार इज ग्रेट. बट आई एम जस्ट पुटिंग इट बैक बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू प्रमोट स्किन लाइटनिंग. आई हैव नेवर यूज्ड अ प्रोडक्ट लाइक दैट एंड आई डोंट थिंक एनीवन शुड फील द नीड टू बिकॉज नेचुरल होती है ये चीज. यार ये एक चीज है जो भगवान की देन होती है जो स्किन टोन चेंज भी होते रहता है. इसमें क्या इतना दिमाग लगाने का किसी को जज करने का. फिर है ये खादी नेचुरल हर्बल फेस मसाज क्रीम. बहुत मस्त है ये क्रीम. अभी मैं मम्मी के मुंह पे बहुत सारी चोपड़ के आई हूँ एंड शी एंजॉयड इट. इसमें भी लिखा है ब्लेंडेड विद हर्बल एक्सट्रैक्ट्स इट कंटेन्स नेचुरल एंटी एजिंग एंड फेयरनेस गुडनेस. सॉरी दिस प्रोडक्ट ऑल्सो आउट ऑफ दिस वीडियो. वन फेशियल बार क्लेंजिंग बार जो मेरे को पसंद आया इज दिस सेबामेड वाला क्लेंजिंग बार. इट इज मेंट फॉर एक्ने प्रोन स्किन. मेरी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है बट आई स्टिल
tried it and it feels good on the skin. Quite cleansing. ये 189 rupees का है and for a budget item it is a good place to start because मैंने काफी और अच्छे और expensive cleansing bars देखे हैं but it is sort of like a new concept for me. तो I appreciate कि मेरे को 200 के नीचे try करने मिला and then I can think of investing in a more expensive one to see if it gives any better results or not. तो अगर आपकी acne prone skin है एक बार ये try करके देखो because personally I found it good but if you've tried it तो आपका I think review will be more reliable. If yours is an acne prone skin तो comment section में जरूर share करना for every other family member. And the last product is natural wash का ये neem oil. It is very very nice but the only thing is I don't oil my hair very very frequently and very deeply. मैं हल्के हल्के हाथ से करती हूँ तो मैं hair वाला exactly नहीं बता सकती but on the body it felt like a spa. क्योंकि इसमें कैसा करना रहता है कि two parts of this और one part of coconut oil को mix करने का and then you have to massage it on the body and it feels very very relaxing. तो इसका price था 240 but I think we got this on sale which is why ये video में feature करा है. Give this a shot if you want to. But overall I would say the highlights of this video has definitely been the lip balm, the oil and a lot of Garnier products. It's not really a surprise because I have been using them since a lot of months now and मुझे काफी पसंद है. लेकिन every single product is linked in the description box below. तो आपको जो भी पसंद आए आप check कर सकते हो. Do subscribe to this channel अगर आपको ऐसे videos देखने हैं future में and if you enjoyed this one तो give it a thumbs up. If you did not enjoy this one then give it a thumbs down and I will see you in a brand new video very very soon. Until then, goodbye.